नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। रत्नों की दुनिया में सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी, सबसे ज़्यादा मिलावट माणिक रत्न में होती है और राशि रत्नों की दुनिया का सबसे बड़ा काला सच है आपके रत्न का विद ट्रीटमेंट होना। रत्न को नेचुरल और नो ट्रीटमेंट ही होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माणिक रत्न खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस दुनिया में सबसे अच्छा माणिक किस देश से आता है और माणिक रत्न के क्या गुण होते हैं, क्या उसमें दोष होते हैं। साथियों, वैसे तो सभी रत्नों में ट्रीटमेंट कम ज़्यादा करके आता है। नेचुरल रत्न जब आप दुकानदार से मांगोगे कि भाई मुझे गवर्नमेंट लैब से या किसी अच्छी लैब से लिखवा करके दो कि यह रत्न नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग बिल्कुल नेचुरल है, तभी आपको मिलेगा। लेकिन माणिक रत्न में ट्रीटमेंट होने की संभावना 95% तक होती है। पूरी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। जब आप एक अच्छा माणिक खरीदने जाएँ तो दुकानदार से स्पष्ट कहें कि मुझे नेचुरल माणिक ही चाहिए, उसके कलर में किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। साथियों, सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट माणिक में आता है, खासकर बैंकों का माणिक विद ट्रीटमेंट आता है। जब आप माणिक खरीदें तो आप या तो बर्मा का माणिक खरीदें जो बहुत महंगा होता है, उसके बाद में साउथ अफ्रीका लोंगोडोंगो माइंस या मोजाम्बिक का नेचुरल माणिक खरीदें, उसके बाद में नंबर आता है इंडियन माणिक का, तो लैब करा करके लें और उसमें नेचुरल नो ट्रीटमेंट लिखा होना चाहिए। नंबर दो, आपके माणिक को चारों तरफ घुमा करके देखें, उसे में किसी प्रकार का गड्ढा, चोट चपेट का निशान नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का ब्लैक स्पॉट यानी कि काला धब्बा नहीं होना चाहिए। माणिक में काला धब्बा आपके हार्ट को, आपके हृदय को नुकसान कर सकता है। साथियों, भगवान सूर्य को कहा है कि सूर्य का रंग लाल है, तो आपका माणिक गाढ़े लाल रंग का होना चाहिए। जो माणिक हल्के लाल रंग के होते हैं या पिंक में होते हैं, वह माणिक बहुत असरदार नहीं होते। ज़्यादा हल्के रंग का माणिक आपको फायदे की जगह भारी नुकसान कर सकता है, इसीलिए आपका माणिक गाढ़े लाल रंग का होना चाहिए और वह चमकदार होना चाहिए। अगर आपका माणिक चमकदार नहीं है, उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़िया नहीं है, तो हो सकता है वह आपको फ़ायदा ना करें। बुझा हुआ कम चमकदार माणिक बहुत अच्छा नहीं माना जाता। रत्न के अंदर जितनी ज़्यादा शाइनिंग होगी, रत्न की हार्डनेस जितनी ज़्यादा होगी, वह उतना ही बेहतर काम करता है। साथियों, माणिक सिंह राशि वाले जातकों को धारण करना चाहिए, आपको लाभ करेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को माणिक लाभ करता है, साथ ही मीन राशि एवं मीन लगन वाले जातकों को माणिक लाभ करता है। मेष लगन एवं मेष राशि वाले जातकों को भी माणिक रत्न धारण करके लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि मेष राशि से बुद्धि स्थान के स्वामी सूर्य होते हैं। वृषभ राशि एवं लगन वाले जातक भी माणिक पहनकर लाभ उठा सकते हैं। माणिक को तांबे की अंगूठी में ही बनवाना चाहिए, क्योंकि सूर्य की धातु तांबा है। तांबे के साथ साथ आपका माणिक सोने में भी पहना जाता है। माणिक पहनने के लिए तांबा और सोना, यह दो धातुओं को छोड़कर अन्य ऑप्शन नहीं है। माणिक रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक सूर्य की होरा में धारण करना चाहिए। दोस्तों, माणिक धारण करने से पहले उसको जल में भिगो दें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करके ये रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में माणिक पहनना चाहिए और माणिक पहनने के बाद मीठा भोजन या मीठा दलिया बनाकर पक्षियों को, पशुओं को अवश्य खिलाना चाहिए। साथियों, माणिक रत्न पहनने से व्यक्ति की हड्डी मजबूत होती है, हड्डी संबंधित रोग दूर होते हैं।
माणिक पहनने से गले से ऊपर की बीमारियों में भारी लाभ करता है। आंखों की रोशनी यदि आपकी कम हो गई है या आपको नेत्र विकार किसी भी स्तर पर है तो आपको माणिक धारण करना चाहिए। आप सेना में और पुलिस में उच्च पद की प्राप्ति चाहते हैं या सेना में या पुलिस में आप नौकरी चाहते हैं, प्रयासरत हैं, तो भी आपको माणिक लाभ करेगा। साथ ही साथ में साथियों, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए यदि आपके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, आप राजनीति में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं या आप राजनीतिक लोगों से लाभ लेना चाहते हैं, तो भी माणिक आपको लाभ कर सकता है। हाथ में सूर्य रेखा के कमजोर होने पर या ना होने पर भी व्यक्ति को माणिक अवश्य धारण करना चाहिए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सभी के सभी जो ग्रह हैं वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सूर्य की ग्रेविटी क्षमता के कारण। तो दोस्तों, माणिक रत्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। अपनी राशि एवं लग्न पत्रिका दिखा करके आपको माणिक रत्न पहनना चाहिए, बिना अच्छे ज्योतिषी की सलाह से के बिना आपको माणिक नहीं पहनना चाहिए। तो यह थी माणिक रत्न को लेकर कुछ छोटी छोटी पर बहुत काम की बातें। मैं कामना करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार वीडियोज के साथ भविष्य में भी। तब